अब सरकारी आंकड़ों में भी देश में कोरोना मरीज 10 लाख के पार हो गए। शुक्रवार को आए आंकड़ों के मुताबिक एक दिन में सबसे ज्यादा मौतें और नए मरीजों का भी नया रिकॉर्ड भी बन गया। आंकड़ों के अनुसार पिछले 24 घंटे में सर्वाधिक 34,956 नए मामले सामने आए हैं, जबकि इस दौरान 687 लोगों की मौत हुई है। अब देश में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 10,03,832 हो गई है, जबकि कोरोना से अब तक 25,602 लोगों की मौत हो चुकी है। देश में कोरोना के अब तक 3,42,473 एक्टिव केस हैं। इन सब के बीच अच्छी बात यह है कि कोरोना संक्रमित मरीजों के ठीक होने के आंकड़े तेजी से बढ़ रहे हैं। देश में कोरोना मरीजों का रिकवरी रेट 65.34% हो गया है और इस खतरनाक वायरस को मात देकर ठीक होने वालों की संख्या बढ़कर 6,35,757 पर पहुंच गई है। विशेषज्ञों का अनुमान है कि अगले 10 लाख मामले आने में एक महीने से भी कम समय लगेगा, क्योंकि डबलिंग रेट 20.6 दिन है।